असल कल्प्रिट और उनका एजेंडा बड़ा वाज़ेह है, वो हिडन नहीं है। हाँ। और हमने देखी है जिस तरह से वो हर मौके पर पाकिस्तान के मफादात को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं, उसमें एक बड़ी एफर्ट जो पंजाब गवर्नमेंट के तरफ से ही हुई, SCO से पहले जेल में पाबंदी लगा दी गई है, जो सियासी जलसा रोजाना होता था उस पर पाबंदी लगाई गई और उसके अच्छे असरात भी नजर आए हैं। तो क्या 18 के बाद वो पाबंदी खत्म होने के बाद दोबारा से वो प्रोपेगेंडा फिर शुरू हो जाएगा? देखिए, पाबंदी या लगाना या हटाना प्रॉब्लम नहीं है, बात यह है कि तमाम जो दूसरे कैदियों को जो सहूलतें हासिल हैं, जितनी मुलाकातें उनके लिए हैं, ये उनसे बड़ा मुजरिम है। इसने पाकिस्तान में आग लगाई है, इसने 9 मई को पाकिस्तान में सारी जो अस्करी इस्टेब्लिशमेंट्स हैं, शहदा की जो यादगारें, उन पर हमला किया है, इसने पैसा बनाया है, इसने वो जो 190 मिलियन केस है, तोशाखाना केस है, वो सब सच है, इसीलिए ये घेराव और जलाओ होता है। तो ये अगर इतना बड़ा चोर है तो इसको भी जो बाकी चोरों और डाकुओं को जो सहूलत हासिल है, जो कैदियों को सहूलत हासिल है, वो इसको भी हासिल होनी चाहिए। उसमें एक्स्ट्रा इजाज़त देने का सवाल ही क्यों आता है? बाकिया बाकी कैदियों को ये सहूलत हासिल है कि वो आएँ और जितने मर्जी दफ़ा वो मिल लें? कोर्ट ने कहा हुआ, आप जानते हैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने इनको ये इजाजतें दी हुई। तो अगर मैं ये ज़रूर कर सकती हूँ कि बतौर चीफ मिनिस्टर पंजाब, अडयाला क्योंकि मेरे पास आता है, तो मैं इस्लामाबाद हाई कोर्ट के हुक्म को तो वायलेट नहीं कर सकती, मैं ये ज़रूर कर सकती हूँ कि अडयाला में जितने कैदी हैं, मैं कोर्ट से ये रिक्वेस्ट करूँ कि उनको भी वही सहूलियात दी जाए जो इमरान खान को हासिल है, ताकि एक सेम्ब्लेंस ऑफ जस्टिस हो। लेकिन एक तजवीज आई थी कि तेलिकियन साहब को पाबंदी लगा दी जाए, उसको फिर बाद में उस हवाले से कोई पेशरफ नहीं हुई। अगर तेलिकियन साहब वाकई में दहशत का दिमाग है, मुल्क दुश्मन है जो नजर भी आ रहा है, तो फिर उस पर पाबंदी की तरफ कोई पेशरफ क्यों नहीं होगी? देखिए, मैं ना आज का जो इशू है, मैं उससे फोकस, आप जो सवाल जवाब मुझसे मांगना चाह रहे हैं ना, वो मेरी हेडलाइन बन जाएगी, मैं जानती हूँ, लेकिन मैं आज उसका जवाब इसलिए नहीं दूंगी क्योंकि मैं चाहती हूँ कि ये फोकस जो है वो हमारा जो सोशल इशू है उस पर ही रहे, और ये जो आग लगाने की कोशिश की जा रही है इस पर ही रहे, इनको एक्सपोज करने पर रहे। मैं एक चीज़ आपको कह सकती हूँ, वो ये है कि तहरीक इंसाफ के साथ भी वही सलूक होना चाहिए जो तमाम बैंड आउटफिट्स के साथ होता है, जो तमाम जो दहशतगर्द जमातें उनके साथ होता है, वो किसी और सलूक की मुस्तहिक नहीं है क्योंकि वो एक सियासी जमात नहीं है। इसका डिटेल्ड आंसर मैं किसी और सियासी प्रेस कॉन्फ्रेंस में दूंगी, वज़ीर आला हूँ चाहे उसका जब किसी भी जमात से ताल्लुक़ हो, लेकिन इस चीज़ की इजाज़त मैं कभी नहीं दे सकती कि किसी बच्ची का नाम इस्तेमाल करके उस वाक़े के को इस्तेमाल करके जो वाकया कभी हुआ ही नहीं। और देखें, पंजाब कॉलेजेस एक ऐसा ग्रुप ऑफ कॉलेजेस है, स्कूल्स हैं जो बच्चों को तालीम दे रहे हैं, आपने कुछ जाने बगैर, और इसके लिए मैं अपने एजुकेशन मिनिस्टर को भी मैंने कहा कि आपको वो मुअत्तल नहीं करनी चाहिए थी, उनको सस्पेंड नहीं करनी चाहिए थी, कोई एक्शन जब तक इन्वेस्टिगेशन ना हो एक्शन नहीं लेना चाहिए था। वो किसी इज्जतदार आदमी का है, वो एक चैनल के ओनर भी हैं, लेकिन पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस पूरे को इस तरह टार्निश किया गया, चाहे वो पंजाब ग्रुप ऑफ कॉलेजेस हो या वो कोई भी हो। ये आपके सामने इनकी, मैंने अभी बताया, इनकी बहन जो है वो PTI की बहुत सरकर्दा मेंबर्स हैं, मेरे अपने पॉलिटिकल इख्तलाफात अपनी जगह, लेकिन जहाँ नाइंसाफ़ी होगी वहाँ मैं बोलूँगी, और जहाँ पर और मैं नाइंसाफ़ी अपनी हुकूमत में किसी के साथ होने नहीं दूँगी। तो जब ख़वातीन के ख़िलाफ़, मैंने बहुत पहले अपनी पहली तकरीर में भी कहा था कि ये मेरी रेड लाइन है, बच्चों के ख़िलाफ़ जो जराइम है वो मेरी रेड लाइन है, उसके लिए मुझे किसी को हिला के जगाने की ज़रूरत नहीं है, मैं खुद जागती रहती हूँ उसके ऊपर, मैं फ़ौरन एक्शन लेती हूँ। और जो तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के DPOs हैं, IG साहब हैं, इन सबको पता है कि अगर ख़वातीन के या बच्चों के ख़िलाफ़ कुछ होगा तो अपने आप कानून को जो है वो हरकत में आना, और जो कल्प्रिट्स हैं या जिन पर इल्ज़ाम है उनको अरेस्ट करना, दो दो घंटे में लोग अरेस्ट हो रहे हैं। अभी आपने सुना होगा कि लाहौर का जो क्राइम है, इट हैज़ गॉन डाउन बाय 42%, ये कोई छोटी बात नहीं है, देयर इज़ समबडी डूइंग दिस बिहाइंड द सीन्स। लॉ एंड ऑर्डर मेरी बहुत बड़ी प्रायोरिटी है, क्योंकि देखें, सड़कें, इंफ्रास्ट्रक्चर वेट कर सकता है, और चीज़ें वेट कर सकती हैं, लेकिन
जो लॉ एंड ऑर्डर है अगर वो ठीक ना हो तो लोगों की जानें इज्जतें माल महफूज नहीं है। हेल्थ के ऊपर मेरा पूरा फोकस है क्योंकि खुदा ना खास्ता अगर किसी को अच्छी सर्विस नहीं मिलती तो लोगों की जानें जा सकती हैं। और कल गुजरात में जो हुआ, वाकया लाहौर में हुआ है, गुजरात में अचानक बच्चों को वरगला के जो है वो सड़क पर लाया गया। और मैं आपको ये बताऊँ, जो हमारी इंटेल रिपोर्ट्स हैं वो ये बताती हैं कि उनमें कुछ बच्चे थे जो वरगलाने में आ गए, कुछ बच्चे जो स्टूडेंट्स के गाब में थे, उनके भेस में थे, वो स्टूडेंट्स नहीं थे। उनको जो हमारी मुखालिफ जमातें हैं उन्होंने लॉन्च किया था, वो आए थे, वो पूरा मेरे पास एक नेटवर्किंग जो है वो मेरे पास आ गई कि किस तरह क्या हुआ। और फिर कल एक बहुत, दो दिन पहले एक बहुत अफसोसनाक वाक्या हुआ। ये जो गुजरात में प्रोटेस्ट हुआ उससे उसको जोड़ दिया गया, हालांकि उसका उससे कोई ताल्लुक नहीं। मुझे एक तस्वीर, मैंने वही सोशल मीडिया पे जो झूठ की फैक्ट्री चल पड़ती है, मैंने वो देखी कि एक बच्चा है, वो बहुत, उसको चोट आई हुई है सर में और उसको रेस्पिरेटर पे रखा हुआ है। तो मैंने फौरन पता किया, मैंने गुजरात में, मैंने डीसी गुजरात को कॉल की, मैंने कहा ये क्या है। उसने कहा मैडम ये कोई एक्सीडेंट हुआ है और उस वजह से जो ये बच्चे को सर पर चोट आई, तो अभी उस बच्चे का जो है वो सर्जरी हो रही है। मैंने उसके वालिद का नंबर लिया, मैंने उसको फ़ोन किया, मैंने कहा कि क्या हुआ है। उसने कहा जी मुझे तो पता नहीं क्या हुआ है, मेरा बेटा ज़ख्मी हालत में लाया गया था हॉस्पिटल, मुझे ये बताया गया है कि प्रोटेस्ट के दौरान पुलिस ने जो है वो बच्चे को मारा है। तो मैंने कहा कि अगर ऐसा हुआ तो मैं तो पुलिस वालों को छोड़ूंगी नहीं, आप फिक्र ना करें। खैर वो तसल्ली हो गई, मैंने सारे डॉक्टर्स को लाइन अप किया, एयर एम्बुलेंस को लाइन अप किया कि गुजरात से अगर उसको लाहौर लाना पड़ता है, कोई अल्लाह ना करे कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाती है, तो एयर एम्बुलेंस को हमने लाइन अप किया और उसकी सर्जरी, जब तक उसकी सर्जरी नहीं हो गई मैं उसके वालिद से इन टच थी फ़ोन पे। उसका वालिद बहुत खुश था, वो अपने बच्चे को छोड़ के हमें दुआएं दे रहा था, वो मेरा फ़र्ज़ है, वो मुझे करना था। 4-5 घंटे की सर्जरी के बाद अल्लाह का शुक्र है उस बच्चे की जान बच गई और वो अब रिकवरी में शिफ्ट हो गया, ICU में शिफ्ट हो गया। उसके शिफ्ट होने के बाद भी जब तक वो वहाँ पर सर्जरी में रहा, DC वहाँ पर मौजूद रहा और मैंने वो रात को वीडियो खुद देखी, वो एक नॉर्मल ट्रैफिक जा रही थी, उसमें एक एक्सीडेंट हुआ जिसमें पुलिस की गाड़ी से की टक्कर से वो बच्चा मोटर बाइक पे था, वो नीचे, वो प्रोटेस्ट का सीन ही नहीं था, वो एक एक्सीडेंट था जहाँ पुलिस की गाड़ी की साइड लगी एक ऐसी जगह पे जहाँ पे ट्रैफिक ज़रा थी, तो वहाँ पर वो बच्चे को उठा के कोई लॉयर्स थे वो हॉस्पिटल ले गए और उन्होंने कहा जी ये एक्सीडेंट हुआ है। पुलिस और उस पुलिस को जो गाड़ी को जो चला रहा था उसको, वो पुलिस का था, कांस्टेबल था, क्या था मैं नहीं जानती, उसको हमने अरेस्ट किया, दो लोग थे उसमें, हमने उसको अरेस्ट किया, ही इज़ बिहाइंड बार्स। तो बात यह है कि उसको भी उन्होंने इसी प्रोटेस्ट से जोड़ दिया, उस बच्चे का पूरा माशाल्लाह इलाज हुआ। अफसोसनाक है कि वो एक्सीडेंट हुआ, पुलिस को भी ध्यान से गाड़ी चलानी चाहिए, लेकिन उस वाक्य से उसको जोड़ दिया गया और हम दर्दियाँ बटोरने की कोशिश की गई। एक बच्चे की जान को, जिस तरह एक बच्ची की इज्जत को इस्तेमाल करके अपना केस बिल्ड करने की कोशिश की गई, ऑनेस्टली दिस इज़ हॉरिफाइंग। आपकी सियासत इस हद तक गिर चुकी है कि आपको अब लाशों पे खड़े होकर सियासत करनी है आपने, या बीमार बच्चों के ऊपर एक्सीडेंट्स पे खड़े होकर आपने सियासत करनी है, किसी के ख़ानदान के ऊपर आपने खड़े होकर अपनी सियासत तामीर करनी है, अपनी डूबती हुई सियासत। और मैं आपको बताऊँ, जो इस्लामाबाद में ये लोग आग नहीं लगा सके, जो ये KPK से हमला आवर हुए और जो ये आग पंजाब में नहीं लगा सके, वो इन्होंने इस बच्ची को इस्तेमाल करते हुए आग लगाने की कोशिश की। लेकिन आपको पता होना चाहिए कि चीफ एग्जीक्यूटिव इस सूबे का एक जीता जागता